लोग एकता अस्पताल शिफ्ट नहीं आने देंगे, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं आने देंगे, लोग एकता। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डंगरेवाल अस्पताल है, इतने सारे लोगों की सहूलत ही कि कोई भी डंगर लेइए इतना आता है तो दवाई भी लेंगे, तो पता भी होता डॉक्टर कोई आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी पता करते हैं कि नहीं आएगा। डंगर भी सौखा कोई डंगर जरा पता सारा प्हाड़ी इलाके उन्हें गै डंगर रखे दे ते प्हाड़ी इलाका पिया वो बघारी कशा लेइए अपने डंगर इलाज कराई सकते हैं। हूँ अपनी मर्जी कन्नै गै जेडे इतने इंचार्ज है ना उन्हें आपूं गै शिफ्ट करियै ते उत्थे जाइए बेहिए कुसै दे बैठका जाइए। हून लोकें गी एह् परेशानी है भाई असें कोई डंगर लेना होगा कि'यां लेना, कोई इलाज कराना होगा कि'यां कराना। असल च एह् सिस्टम नेहा होना चाहिए कि जेह्ड़ा लोकें गी स्हूलत दे, लोकें गी दुख च पाने आह्ली नेहा होना चाहिए। तो हून असें इ'यै लग्गा करदा कि असें गी तकलीफ है और कुछ गल्लां इत्थें एह् आई कि महाराज जेह्ड़े जिंदा एह् दुकान है वह आखा दे कि महाराज असें कराया घट्ट है ते कराया बद्ध देओ। असें उ'नें पुच्छेआ कि यार तुसें शिफ्ट कराया इत्थां अस्पताल, तो उन्हें आखिया भाई साढ़े नंबरदार ने कि नहीं मिगी तो पुछे भी नहीं उन्हें, तो मैं अस चले अपनी मर्जी कन्नै चली जाता। मैं समान जरा अंदर का बाहर कढ़ा नहीं सारा चुपा वह कोई नहीं किया। दूइया गलां कि साढ़ा जरा ब्लाक जिन्ना भी है ना इस ब्लाक च असें एक बार आइडेंटीफाई भी की जगह कि महाराज इतना थोड़ा डंगर अस्पताल बन, लेकिन अजे तक नोड़ी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर तो गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी दी है तो जितने भी बनती है भाई अस कोई एह विरोध नहीं करके कि भाई उत्थे गै अस लेके डंगरे, लेकिन हून जेडे ये हालात बने दे ना इस हालात में लोग परेशान ते परेशानी जी है ना वो जी लोकें की नहीं होनी चाहिए, वह कोई समाधान होना चाहिए, उन्हें लोगों की सैटिस्फाई करना चाहिए ना। अस आखा कि अगर यह दुकान नहीं मिलती तो साढ़े साथी ने सतपाल और जो दुए न रोशी होर ये आखा अस उत्थे कंडे कंडे दें दुकान मजे के डंगर आना इलाज करा डंगरे का लोग तो उतों का खड्डा वापस चली जा वो तैयार देने, लेकिन इन्हें ना कुसै पुछया ना कुसै मंगया अपनी मर्जी कन्नै गै बल्लें जे इत्थों उठियां ते उत्थें जाइए बेहियां। कि जेह्ड़ा साढ़ा मोटिव है यह है कि जेह्ड़ा साढ़ा हॉस्पिटल है शिफ्ट होइए चलिए कुसै घर च चली जा, मैं दुकान पर नहीं आखा मैं घर च रखा क्योंकि वह कुसै दे घर के बिच गया और उत्थे गेट लगे दा, क्या कोई बंदा गेट तप्पिए डंगर लेइए अंदर जाग, बिल्कुल गलत गल की थी उन्हें। अगर कोई दुकान होती है दुकान आई अस गल मनते दुकान चीता वो किया एक सैपरेट घर च जाइए और घर की जाइए ऐसी जगह कि जिसे कोई जा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसर ऐसे आए न वो आखते भी साढ़े को कम नहीं लियो इतने सेंटर की, तो लोग सारे आते हे साढ़े पापड़े लोग आते बघारी आते जाडे आते डेरगढ़ के आते बपड़ेरगढ़ के आते मोहरे तक लोग इतना आते बिल्कुल सैप है, क्योंकि साढ़े प्हाड़ी इलाके जो डंगर वो बड़े ट्रक होंगे गड्डिया दिखे डरते खुली डे जी कुसै घर जी हॉस्पिटल खुली डे। एक हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिस पंचायत कोई भी चीज़ शिफ्ट होनी उस सरपंच को एनओसी दी जाती है, कोई कुछ सरपंच नहीं पूछा गया ना। अस भी यदि करनी जे कसरनी करने वाली पंचायत है सानू कुसै ने पूछा गया बंदे दुकान है उन्होंने आखा मेरा किराया बधाओ, बिल्कुल झूठ है। प्रिंसीपल साहब ने उन्हें फोन किया साढ़े सामने किया कि महाराज क्या तुसें दुकान खाली कराई है, उन्हें आखिया जी बिल्कुल नहीं असें कराई हाँ जी इतने आखा जी महाराज उन्हें आखिया कि किराया 500 रुपया घट है अस शिफ्ट करिए परले पासे लगे जान। देखो जी ये भी गल झूठ है। मैं आखना कि ये जो जेडे अफसर ने के लोगों ने सर्विस पूछी हर गल झूठ है और एक अफसर की मर्जी चलनी है कि लोगों का राय लोग जो जान हो ये नहीं है कि लोग अपनी मर्जी करिए गुंडागर्दी करा इतने आइए सारे कहने सारे लोगों ने बिल्कुल अलीगल गल्लां करिए अपनी मर्जी ने शिफ्ट करिए तैयार है। अस अज कोई 20-22 दिन होता मैं रमेश सरपंच होर गए डीसी मैडम ने अस मिले कड़िया 200 मीटर या 300 मीटर साइड पर मेन रोड पर कड़िया उन्हें मैडम ने बड़ी ब्रीफ करना साड़ी गल सुनी मेरी और रमेश सरपंच होंगी कि सुनाओ जी केह गल है। मैडम ये गल है जिसमें है वह बिल्कुल सही जगह ही और वो अंदर हा इलाका उत्थे गड्डियां भी घट जांदियां और डंगर साढ़े ट्रक करन। हुण मैडम ने आखिया कि सरपंच साहब कि शिफ्ट होया किन्ना दूर है, मैं कोई 200-300 मीटर है। मैडम ने उसलै फोन किया डॉक्टर राहुल देव होर कि राहुल जी ये सुनाओ कि जो तुसें हॉस्पिटल शिफ्ट किया कुत्थे किया हाँ जी वो कन्ने गै लागे गै उत्थां
मैं आखिया सर लागे नहीं है कोई 300 मीटर दूर है और कुछ घर च एक सैपरेट सर वो बिल्कुल गलत गल है ये जिहड़ी जगह अगर तुसीं शिफ्ट करनी है तुहानूं कोई प्रॉब्लम आती है असीं पब्लिक ते नुमाइंदे साडे नाल गल करन आई है कि सानूं सानूं ये मैडम वाशरूम की कोई प्रॉब्लम आती साडे नाल गल करन अस उस गल दा मसला हल करदे कोई ये अपनी मर्जी कन्ने शिफ्ट करने है एक गुंडा राज समझा दे लोग आज हमने नड में प्रोटेस्ट रखा है इसलिए कि यहाँ जो वेटनरी अस्पताल है ये काफ़ी देर से है और ये गांव ऐसा है कि बहुत से लोग गांव में जो रह रहे हैं इन्होंने माल मवेशी रखा हुआ है गाय भैंस बकरी वगैरह रखी हुई हैं भेड़े वगैरह रखी हुई हैं और वो यहाँ से हॉस्पिटल से इलाज करवाते थे कई सालों से और अभी ये हुआ कि अपनी मर्जी से 15-20 दिन पहले यहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके किसी के घर में रख लिया अपना दफ्तर। तो हमारी ये डिमांड है कि जो वेटरनरी अस्पताल है वो तो पब्लिक में होना चाहिए, वो दुकान ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा हो और माल मवेशी आसानी से पहुँच सके। इन्होंने जो मोबाइल ये अस्पताल शिफ्ट किया है वो तो जो हमारा नेशनल हाईवे है उसको क्रॉस करके उधर दूसरी साइड पर रखा हुआ है। किसी भी जानवर को यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए वो रोड क्रॉस करना पड़ता है और काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इससे क्या होता है कि लोगों में परेशानी होगी क्योंकि गाड़ियों का जो हॉर्न है या गाड़ियों के जो प्रेशर हॉर्न है उससे तो सारे जितने मवेशी हैं वो डरते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। और बहुत से हमारे एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं कि कुछ किसान जो हैं वो गाय लेकर आ रहे थे और उन्होंने हाथ में पकड़ी थी अंगूठे के साथ बांधा था वो अंगूठा ही चला गया। तो यहाँ अगर नेशनल हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है। हमारी डिमांड ये है कि जहाँ अस्पताल है वहीं पर रहे। हाँ एक बात है कि अगर तो अफसरशाही ने अपना काम करना है तो हम उसके खिलाफ़ हैं, अफसरशाही नहीं चलने देंगे कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी कोई चला जाए। अगर कोई मुलाजम है तो मुलाजम जो है वो अपनी ड्यूटी जड़ी जो है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी के साथ करे। यहाँ तो हर एक का नज़र रहती थी कि कौन कितने बजे आया कितने बजे गया, किसी के अंदर जाकर बैठे रहना ये कोई बात नहीं होती है। हर ऑफिस में कोई बाथरूम फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, अगर किसी को चाहिए भी है तो हम जितने भी लोग यहाँ पर है नाडो के निवासी हैं तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम उनको बाथरूम बना कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि कोई मुलाजिम जो है वो परेशान रहे हमारे इस एरिया में काम करते करते, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो ईमानदारी से काम करें और उस हॉस्पिटल को दोबारा यहीं पे खोलें, क्योंकि उन्होंने ना तो जिनकी दुकान है उनसे कोई NOC लिया ना ही उसने शिफ्ट किया है। अगर कोई और दुकान चाहिए तो हम इसी नाले के पास और भी दुकानें हैं वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ से अस्पताल जो है वो किसी भी सूरत में यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे। एक एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल है इन नड में है, इस नड वाली गली में है जो है, ये बहुत अच्छी जगह भी थी। लोगों के दूर से डंगर या कोई पहाड़ी एरिया से लोग आते थे तो ये आराम से यहाँ डंगर चेक करा के जा सकते थे। अभी जो जो मेन है इन्होंने मेन रोड पे कर लिया है जहाँ से ये 300 या 400 मीटर और किसी के घर में कर लिए, किसी के घर में थोड़ा हो सकता है शिफ्ट ये हॉस्पिटल, ये रहेगा तो मार्केट में जहाँ लोग आएंगे। एक तो यहाँ किया वहाँ ट्रकों का इतना हॉर्न है इतनी आवाज़ है कि सारा रोड है जो बिल्कुल बिल्कुल ये क्लोज पूरा भरा रहता है पूरा दिन में। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अफसर ने अपनी मर्जी से बोला जी इधर वाशरूम नहीं है। पहले तो हमें ये बोला गया कि ये जो दुकान वाला खाली करा रहा है, मैं दुकान वालों को हमने पूछा बोला बिल्कुल नहीं मैंने नहीं खाली करवाई है, ना मेरे से कोई NOC ली है ना कुछ बोला है, अपनी मर्जी से ही यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करके चले गए। ये कोई काम अच्छा हाँ का आया था उनके हॉस्पिटल के, आप हमारे ऑफिस में आओ और इधर आके बात कर लेते हैं। मैंने बोला जी मैंने उधर नहीं आना, आप प्लीज़ इधर आओ, लोगों को बुला लेंगे, जो लोग बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। और बिल और जे बिल्कुल क्लियर उनको बोला है मैं उधर नहीं जाऊंगा, उधर आना होगा तो हम अपने बंदों को साथ लेके आएंगे। तो यही मेरी उनसे बात हुई थी। पर दूसरा बात यह है कि ये जो इन्होंने शिफ्ट की है बिल्कुल गलत बात है। चाहे के लेटर हो रहा जब कोई चीज़ गवर्नमेंट की बिल्डिंग शिफ्ट होती है तो उस पंचायत से भी उसका एक लिया जाता है कि जहाँ से शिफ्ट हो और वहाँ हम जाएँ, पर बिल्कुल किसी ने नहीं पूछा। मैं भी मेरी भी इसके साथ ली पंचायत है, मुझे भी नहीं पूछा गया कि सरपंच साहब हम शिफ्ट कर रहे हैं, अगर हमें पूछते ना हम उनको कोई तो कोई इसका कोई फार्मूला बताते कि यहाँ नहीं वहाँ करो शिफ्ट वहाँ बढ़िया रहेगा जी, इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा। तो ये अफसर सही है और ये लोगों को परेशान करने